आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज चैनल। खड़की रोड दयानाश्वर के कारोबार करने वाले लोगों को रास्ते की वजह से कब तक तकलीफें उठानी होंगी? अब इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब देगा कौन? आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। किस बात के लिए आप यहाँ पर मेमोरेंडम देने के लिए आए थे? हम लोग अपने खड़की रोड के रास्ते के लिए आए थे कॉरपोरेशन में, लेकिन अभी तक उनको दिए हैं लेटर अपने पैक को, तो रास्ते के काम के लिए वो आश्वासन दिए हैं, बोले हम लोग बात करते हैं, बात करके करवाते हैं। कितने साल से आप कॉरपोरेशन के चक्कर लगा रहे हैं? कम से कम 4 साल हो गया कॉरपोरेशन में घूम रहे हैं, लेकिन आश्वासन मिलता है, काम नहीं होता है। आयुक्त साहब मिले थे आप? आयुक्त साहब नहीं मिले थे, तो उस हिसाब से आयुक्त के साहब का जो असिस्टेंट थे उनको अपने दे के आए, सह आयुक्त को दे के आए। खड़की रोड का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, हम लोग को जाने आने की बहुत तकलीफ़ है, तो हम लोग यहाँ आए थे आयुक्त साहब से मिलने के लिए, वो तो नहीं मिले, तो उनके असिस्टेंट को हमने अर्जी दे दी असिस्टेंट को। तो सह आयुक्त ने आपको क्या बोले? वो बोले सर आने पर हम काम तुम्हारा करवाते हैं, तो ऐसा बोलते रहते हैं। आए थे यहाँ पे खड़की रोड के रास्ते और लाइट के, लाइट तो है लेकिन वो चालू नहीं है। खड़की रोड का रास्ता आज इतना ख़राब है कि डिलीवरी वाली भाई रिक्शे में जा रही थी, वो रिक्शा पलट गया। ट्राली वाले अपना रोज़गार के लिए जो ताना बाना है वो ले जा रहे, वो पलट जा रहा है। पैदल चलने का रास्ता नहीं है वहाँ पे, तो ये ट्राली और रिक्शा कहाँ से चलेंगी? आज गर्भवती है महिला लोग को इतना ख़राब आया कि लोग उठा उठा के लेके जा रहे, इतना ख़राब रास्ता है। जबकि उसी रोड पर सालाना 2 करोड़ से ऊपर का कॉरपोरेशन को केरपट्टी और वगैरह का वहाँ से सहूलत है, उसके बाद भी 4 साल में आज तक कुछ नहीं हुआ है। तकरीबन एक कारखाने से कितनी केरपट्टी सालाना बनते हैं? ये हमारे सेठ खड़े हैं 1.25 लाख 1.5 लाख ऐसे हर कारखाने वाले के ऊपर है, और उस खड़की रोड का काम नहीं होता है। हाँ, और उसके अंदर कम से कम 2-3 हज़ार लोग रोज़गार करते हैं उस रास्ते से, आज उनको भी तकलीफ़ हो रही है जो रोज़गार कर रहे हैं। आगे अगर ये आपका काम नहीं होता है तो आप आगे आपका क्या लाया बोल रहे हैं? हम एक बार और अभी जैसे शाह आयुष तो मिले थे, इसके बाद हम आएंगे कमिश्नर साहब से मिलेंगे, हमारे गाँव के महापौर तायरा मैडम से फिर हम एक बार आके मिलेंगे, उसके बाद अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी तो हम कुसुम्बा रोड जाम करेंगे। आपका खड़की रोड के ऊपर क्या कारोबार है? हमारा पावर लूम और साइजिंग का कारोबार है। आप सालाना कितनी केरपट्टी भरते हैं कारोबार? 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख रुपये। तो आपके तरफ रोड बनी है खड़की रोड? रोड का तो पता ही नहीं है, पैदल जाने को रास्ता नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं जा सकती, रिक्शा गाड़ी नहीं जा सकती, कुछ नहीं जा सकता वहाँ से, हम लोग खुद पानी में गाड़ी डुबा के लेके जा रहे हैं। यही रोड के ताल्लुक से उनको मेमोरेंडम देने आए थे कि भाई उसका कुछ करो, रोड का सालाना 1.5-2 करोड़ रुपया वहाँ से कॉरपोरेशन की आमदनी है और कोई उधर ध्यान नहीं है।